हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं KTM RC 125 के बारे में। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने KTM RC 125 के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि KTM RC 125 जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। लेकिन ये बाइक अब लॉन्च हो गई और मेरे को काफ़ी लोग ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि आप लॉन्च होने के बाद भी इसकी एक और अलग से वीडियो बनाइए कि क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है और इसके अल्टरनेटिव में कौन कौन सी बाइक्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी के लिए है। तो अगर आपको सभी डिटेल्स जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और आप लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वहीं पे देखने को मिलते हैं। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, KTM RC 125 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और इस बाइक की जो एक्सशोरूम दिल्ली प्राइस रखी गई है वो 1.47 लाख रुपीस रखी गई है और ऑन रोड में आपको ये बाइक मिलेगी 1,72,000 रुपीस में। तो दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं इस बाइक के बारे में कि KTM ने जो इसकी प्राइस को सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ये बाइक सही है कि नहीं, तो आप अपने ओपिनियन को ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बाइक के कुछ हम लोग स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो इस बाइक में आपको 124 सीसी का DOHC सेटअप वाला इंजन देखने को मिलता है, जो कि 14.5 PS का पावर जनरेट करता है 9250 RPM पे, और 12 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है 8000 RPM पे। इस बाइक में आपको 10.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। फ्रंट में जो आपको डिस्क मिलेगा उसकी साइज होगी 300 mm, और रियर में जो आपको डिस्क मिलेगा उसकी साइज होगी 230 mm। और टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको 110/70 सेक्शन के 17 इंच के टायर मिलते हैं और रियर में आपको 150/60 सेक्शन के 17 इंच के टायर मिलते हैं। और अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखेंगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल वही वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो आपको KTM ड्यूक 200, ड्यूक 125, RC 200, RC 390 में देखने को मिलता है। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इसमें देखने दिया गया है, जिसमें आपको शो होगा एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर गेज। तो ये सब फीचर्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वैसे मैंने कंप्लीट डिटेल पे इसकी पहली वीडियो बना रखी है इसकी सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके या नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसको फॉलो करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि क्या जो KTM ने इस बाइक की प्राइस को सेट किया है वो इस बाइक के लिए ठीक है और इसके अल्टरनेटिव में कौन सी बाइक्स अवेलेबल है, और अगर 1,72,000 रुपीज़ KTM इस बाइक के लिए चार्ज कर रहा है तो उसमें और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए थे। तो दोस्तों, हम लोग इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे और वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या KTM ने इस बाइक की जो प्राइस है उसको ठीक रखा है या नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मेरे को लगता है कि इस बाइक की प्राइस को KTM ने कुछ ज़्यादा हाई रख दिया है। अगर इस बाइक में डुअल चैनल ABS होता, स्लीपर क्लच होता या VVA टेक्नोलॉजी जैसा कुछ होता जैसा R15 V3 में मिलता है, तब कुछ समझ में भी आता कि इस बाइक की प्राइस 1,72,000 रुपीज़ KTM हम लोगों से ऑन रोड में चार्ज कर रहा है। लेकिन बिना ये सब फीचर्स के इस बाइक की प्राइस बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में देखेंगे तो आपको उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में सबसे पहले बाइक दिखेगी वो है यामा R15 V3, और दूसरी आपको बाइक मिलेगी बजाज की पल्सर RS 200। तो इन दोनों ही बाइक्स में आपको काफ़ी अच्छी लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। R15 V3 तो आप जानते हैं कि 150 से 160 cc बाइक्स की एक तरह से किंग है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क फिगर देखने को मिलता है और एक्चुअल में भी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये पल्सर RS 200 भी 200 cc की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा 200 cc का इंजन देखने को मिलता है जिसका टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। वहीं दोस्तों, KTM RC 125 की बात करें तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस बाइक को ले रहे हैं तो आपको 125 cc का ही इंजन मिल रहा है, और 125 cc का इंजन 1,72,000 रुपीज़ में। दोस्तों, 125 cc की बाइक में आपको उतना पावर और टॉर्क नहीं मिलेगा। सिटी में तो आपको मिल जाएगा उतना पावर, लेकिन जैसे ही आप इस बाइक को हाईवे पे लेके जाएंगे तो आपको इसमें पावर की कमी होगी, क्योंकि मैंने ड्यूक 125 को चलाया है, उसमें भी आपको यही सेम इंजन मिलता है और उसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है। सिटी में तो आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन वहीं उस दूसरी तरफ अगर आप हाईवे पे लेके जाते हैं तो परफॉर्मेंस में लैग होने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑफेंड मत हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कोई भी KTM की बाइक को एक तरह से गलत नहीं बोला, मैं सिर्फ उसके एक कॉन्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये भी है कि आपको RC 125 में प्रीमियम लेवल का हार्डवेयर देखने को मिल रहा है, इसमें आपको USD फोक्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है, तो ये सब कुछ आपको फीचर्स इसमें बाइक में देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सी कस्टमर्स को और कौन
अब दोस्तों हम लोग ये बात कर लेते हैं कि KTM RC 125 कौन कौन से कस्टमर्स को ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको प्रीमियम लेवल का हार्डवेयर मिले तो आप KTM RC 125 के साथ जा सकते हैं। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको रोड प्रेजेंस अच्छा मिले, रोड में अटेंशन अच्छा मिले, तभी आप KTM RC 125 के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि बाकी सब जो बाइक चलती रोड में उनसे हल्के यूनिक लगे, तभी आप KTM RC 125 के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी ये सब प्रायोरिटी रहती है बाइक खरीदने के समय तो आप KTM RC 125 के साथ जा सकते हैं। तो फिर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या KTM ने इसकी बाइक की प्राइस को काफी ज्यादा हाई रख दिया है, कि क्या इस बाइक की प्राइस को ठीक रखा गया है। तो आप अपनी ओपिनियन को शेयर करना मत भूलिएगा। और अब जैसा कि दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं कि KTM RC 125 जो प्राइस सेगमेंट में आ रही है उसमें आपको दो बाइक्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी है अपनी सेगमेंट में। एक है यामाहा की R15 V3, और वहीं दूसरी तरफ है बजाज पल्सर RS 200। तो ये दोनों ही बाइक अपनी अपनी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो KTM RC 125 के ऑल्टरनेटिव में आपको यही बाइक दोनों देखने को मिल रही है। अगर आपको सिटी में ही ज़्यादा चलना है और अगर आपको कमिटेड राइडिंग पोस्चर से कोई दिक्कत नहीं है तब आप R15 V3 को ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, डुअल चैनल ABS मिल जाएगा और स्लीपर क्लच भी मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको हाईवे पर भी चलना है, सिटी में भी चलना है और अगर आपको राइडिंग पोस्चर ज़्यादा कमिटेड नहीं चाहिए तब आप बजाज पल्सर RS 200 के साथ जाइए, क्योंकि उसका जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सिटी में भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है पावर और हाईवे में भी उसमें पावर की कोई कमी नहीं महसूस होती है। 24.5 PHP का आपको पावर मिल जाता है बजाज पल्सर RS 200 में, और वहीं R15 V3 में आपको 19.3 BHP का पावर मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप ऑल्टरनेटिव में देख रहे हैं तो आप यामाहा R15 V3 को ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर आप ऑल्टरनेटिव में KTM RC 125 की ओर देख रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि R15 V3 को आप ले सकते हैं अगर आपकी जो कंडीशन है वो R15 V3 के साथ मैच हो रही है, और वहीं आप बजाज पल्सर RS 200 के साथ ले सकते हैं अगर आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो प्रायोरिटी है वो बजाज पल्सर RS 200 के साथ मैच हो रही है। तो दोस्तों यही अल्टरनेटिव बाइक्स थी KTM RC 200 की। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।